बहन। अरे पागली सी, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं भाई हूँ किसी का। बहन। अरे दीदी मैं बहन नहीं हूँ, दीदी मारना बंद करो मेरे मुंह पे। दीदी डियर फ्यूचर हस्बैंड। फिर से मारा और क्या बोला है? यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। इंसान हूँ, इंसान की इज्जत करता हूँ, नहीं देखता लड़का है या लड़की। इंसान हूँ, इंसान की इज्जत करता हूँ, नहीं देखता लड़का है या लड़की। ये पागल सी दीदी 3-4 नमूनों लड़कों से मिली और इनने बेइज्जती कर दी सबकी। साले कुत्तों की जिंदगी। गाइस बी लाइक, मुझे ना हॉट सी सेक्सी सी जीरो फिगर वाली लड़की चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू? मी? बंदर सी शक्ल के। बंदर? कभी जिम गया तू? हाँ गया हूँ। कभी जिम का मुंह देखा है तुमने? खुद का तो पेट निकल रहा है। जीरो फिगर वाली लड़की चाहिए। ए थाम्बा, दीदी पहली बात, शक्ल किसी को मर्जी से नहीं मिलती, अब मिल गई है बुरी झेलनी पड़ेगी। और ऐसी सड़े हुए धनिये पे बैठी हुई मरी हुई मक्खी जैसी तुम्हारी शक्ल, और तुम दूसरों की शक्ल को बंदर जैसी शक्ल का बोल रही हो, है? पंछी बनू उड़ती परू हूर की परी होन। सही बात है ना। सुधर गया, क्योंकि बंदर भी तुझसे ज्यादा सुंदर होते हैं। Excuse me, बहन। है? बहन एक मिनट बहन। अगर वो तुम्हारा कभी मैं हाथ नहीं पकड़ता तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर उसने अभी तक अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर वो अपनी गाड़ी का या कोई भी दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खोलता तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। हैं? दरवाजा? मेरे पास तो दीदी कार ही नहीं है, मेरे पास तो दीदी बाइक है फटफटिया। उसमें तो दरवाजे भी नहीं होते, उसमें ढक्कन होता है दीदी। उसमें ढक्कन खोल दूंगा मैं पेट्रोल का, तुम उसके अंदर जाके बैठ जाना, है ना? बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पादा पूदी मत कर देना वरना ब्लास्ट हो सकता है। बाकी कमों की रक्षा ऊपर वाला करे। गज। फिर से मारा कि मैं बताता हूँ तुम्हें। आए मजे। Stop saying कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं। कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं। और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के। दीदी ये तो सही बात बोल रही हो, कुत्ते क्यूट तो होते हैं, जैसे कि ये वाला, ओ ले 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 ले, ले कितना क्यूट है। और ये भी आंटी भी सोच रही होंगी इसके अंदर का कुत्ता कैसे हुलारे मार मार के बाहर आना चाहता है। और ये सड़े हुए धनिया जैसी शक्ल की हरी चटनी ये लोगों को बिच बोल रही है, अपनी मम्मी को बिच बोल रही है। एक बार वीडियो खत्म हो तो अंदर ले जाके आंटी ऐसे खींच खींच के तमाचे मारेंगी कि अंदर की बिच बाहर निकल जाएगी उसके, और हरी चटनी का सड़ा हुआ काढ़ा बन जाएगा। और हाँ ये बीमारी भी है दीदी को जीभ निकालने वाली, और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इस बीमारी को देख के एक बार कोरोना का भी रोना निकल जाए। ये दोनों के दोनों पिछले जन्म में सांपों के यहाँ जहर सप्लाई करने का काम करते थे। नहीं, और जैसी इनकी हरकतें, ये सुबह सुबह जहर का मौसम भी अचार बना के खाते, और ये इनके लिप्स के साथ इतने क्रियाकलाप करते कि किसी दिन नीचे वाला हिस्सा टूट के आत्महत्या कर लेगा नाले में कूद के, वो भी फिर क्या चबाओगे? दिन भर तो लिप्स चबाते रहते हैं, दांत भी टूट के गिर जाएंगे साथ में। जिस एंगल में इस लौंडे का हाथ गया है ना, मैं बता रहा हूँ सीधा लड़की के मुंह पे मुक्का पड़ना चाहिए था, पर नहीं, ये तड़पता पंछी फील ऐसे ले रहा है जैसे गैस जमा कर रखी हो दुनिया भर की साल भर से पेट के अंदर, और अब जाके उसको आजादी मिली है। फुसकी बॉम्ब। रणवीर की तरफ कुत्ते नहीं रहते बेचारे, रोज रोज नहा तो सकते नहीं है, तो जब गंदे हो जाते हैं तो जीभ से चाट चाट के एक दूसरे को साफ करते हैं। ये हमारी विकसित डोगीमोन, वैसी क्रियाकलाप है इसके। अरे दीदी इधर से भी। हाँ दीदी इधर भी इधर नीचे साइड भी, पूरी स्क्रीन चमका दो एकदम, बहुत बढ़िया बहुत। कबूतर देखें कभी अपने पिंजरे के अंदर बेचारे तड़पते रहते हैं, वैसे ये दीदी के अंदर एक जर्मन शेफर्ड के दे, नहीं वो जर्मन शेफर्ड ऐसा था जो अपने मालिक को चाट चाट के साफ कर देता था, पर अब वो जर्मन शेफर्ड बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो दीदी अपनी अबड़म शबड़म अदाओं से लोगों की डिस्प्ले चमका रही है, इधर चाटा तो उधर चाटा, कैसे निकल जाती इतनी लंबी जीभ। ये नागिन यहीं तड़प तड़प के बिच्छू भी बन जाएगी ना, तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसी को ढूंढ रहा है ना?
अरे पुराने अजय देवगन की नकली कॉपी नहीं, मतलब जुबान केसरी करते करते ये नाखून कैसे लाल पीले कर लिए, किसी कहीं पे गुटखा थूकने की जगह नहीं मिली होगी तो पूरे नाखून लाल एक ही बार में। और ये लोग नाखून इतने बड़े बड़े कर कैसे लेते, नहीं मेरे को तो याद भी नहीं रहता कि कब मैंने चाप के अपने नाखून फेंक दिए। हरकतें तो पूरी तेरी जानवरों वाली हैं। बोलो जुबा केसरी। लेकिन जब तक तू अमृता के कातिल का नाम नहीं बताएगा तब तक तू ये देश तो क्या। भाई अभी भी मुंह से गुटखा निकालने को तैयार नहीं है, भाई थोड़ी बहुत लिपसिंग तो कर ले, हमें पता है तेरे मुंह के अंदर बिमल गुटखा पान मसाला सब कुछ है, पर मेरे प्यारे बिमल के लाल हमें उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि तेरे मुंह के अंदर से काजोल की दो चार फोटो भी निकल जाएंगी। और आश्चर्य से याद आया, मुझे आश्चर्य तो वहां भी नहीं हुआ जब करी पुलिस वाली वीडियो डिलीट हो गई, होनी थी। और सॉन्ग से ज्यादा ये नंगे डिजर्व करते हैं रोशनी, मतलब वो तो जैपनीज लोग हैं, उनकी तो आंखें भी नहीं खुलती, कुछ दिखता भी नहीं होगा ठीक से। तुम लोगों को तो दिख रहा था नंगा नचवाया जा रहा है, पर नहीं, नंगे नाचेंगे पैसा लेंगे। और वो डायरेक्टर भी इंडियन ही था। ये मोहतरमा आके बोलती है कि मेरे पेट में तुम्हारी कड़ी पक रही है। बिल्कुल, इंडिया में बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं पेट में कड़ी पकती है। और ये दीदी किसी को कहीं मिले ना तो इनसे जब तक कड़ी बनवाना, जब तक इनके हाथ ना रुक जाए कड़ी बनवाना के। और ऊपर से ये झबरेलू लोग, तुम लोग अच्छा काम कर रहे थे, अब तक एनीमे बना रहे थे, क्या जरूरत थी ऐसी चीजों की है, तुम्हारी शूशी की चमचोली मारूं। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इतने दिन से बेचारे जापानी अपनी ही चीजों का मजाक उड़ा रहे थे, मोंक का, समुराई का, सुशी का, जब तक सब सही चल रहा था, पर गलती कर दी इंडिया से छेड़छाड़ करके। इंडिया का मजाक तुम उड़ाओगे तो ऐसा ही होता है, ले लिए पंगे, पड़ गए गलत। अब वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी, एपोलॉजी वीडियो भी अपलोड करनी पड़ी, अब नाचो नंगे हो के जापानी हो। तो वीडियो यही खत्म। नहीं, एक मिनट, ये देख लो। तू हर चीज मांग ले मुझसे, तुझ पे सब कुछ कुर्बान है। तू हर चीज मांग ले मुझसे, तुझ पे सब कुछ कुर्बान है, बस जान मत मांगना, क्योंकि तू ही तो एक मेरी जान है। उसके गले में जब तक अपनी ठुड्डी गड़ाए रहना, जब तक अंदर गड्ढा करके अपनी कॉलोनी ना बसा ले। नहीं मतलब ये इतने इतने से छोटे छोटे तित्तर होने, और इनकी जवार भाटी आशकी देखो। नहीं और तुम लोगों ने मुझे इतनी बार इन लोगों की वीडियो भेजी, इतने सारे लोगों ने, कि मेरे को इनको देख देख के अब डरावने सपने आने लग गए थे, इनके डरावने चेहरे मेरे सपनों में आ रहे हैं। और ये इतने बारीक हैं, देख के इनको लगता है अभी अभी पैदा हुए हैं। और आंखें देखो जरा, ऐसा लगता है पैदा होते ही दूध नहीं पिया, सुट्टे मारे सुट्टे। सो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और चैनल सब्सक्राइब कर ले जितने लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकन जरूर दबा देना। और वीडियो खत्म करने का समय आ गया है, तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक टाटा बाय 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 बाय। ये बारीक से बच्चे करी पुलिस सब टुच्चे हुच्चे हुच्चे।